इसका लाइटिंग का फेस अलग है और सॉकेट का फेस हमने अलग दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों ये हमारा फ्लैट है, इसके हम जो है स्विच प्लेट फिटिंग पूरी लाइटिंग स्विच प्लेट ये सब लगा रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस प्लेट में हम कौन से मॉडल की स्विच, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी, उसकी खूबसूरती कैसी है। तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस प्लेट में हम कौन सी स्विच प्लेट लगा रहे हैं। और जो है कि स्विच प्लेट लगाने से पहले हम पूरा सेटिंग कर लेते हैं। देखिए ऊपर हमारी पूरी ज्वाइंट जो है कि ए टू जेड कंप्लीट हो चुकी है। अब ज्वाइंट कंप्लीट होने के बाद जो है अब यहाँ पे हमने अपना वायर जो है पूरा सेट कर दिया हुआ है। इधर हमारा लाइटिंग का हो गया ये वायर, और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल फेस और एसी का हो गया। तो ये सब जो हमने वायर अपना सेटिंग कर लिया, अब इसकी हम स्विच प्लेट लगाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से कलर की और कौन से मॉडल की मैं इसके अंदर पूरी स्विच लगा रहा हूँ। दोस्तों स्विच लगाने से पहले मैं आप लोगों को स्विच दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारी बेल स्विच है, ये हमारी 3 पिन सॉकेट है, स्विच के साथ में है, स्विच एंड सॉकेट 3 पिन में है। उसके बाद जो है कि ये हमारी एसी की स्विच है, 45 एम्पियर में है ये स्विच मेरे दोस्तों। और ये जो हमारी 3 पिन सॉकेट है ये 13 एम्पियर में है। उसके बाद ये हमारी सिंगल वे स्विच है, ये हमारी जो है 2 वे में स्विच है। ये 2 वे जो स्विच होती है जो सीढ़ी पे स्टेयर गेज की वायरिंग में लगती है, ये 4 वे जो है कि टर्मिनल में है। उसके बाद जो है मेरे दोस्तों ये जो है कि 2 वे स्विच देखिए ये 3 टर्मिनल में है, ये हमेशा स्टार्टिंग में लगती है और 4 टर्मिनल जो है वो बीच में लगती है। उसके बाद जो है कि ये हमारी 3 वाली स्विच है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, देख रहे हैं इसकी पूरी। और ये जितनी भी स्विच है मेरे दोस्तों ये पूरी स्विच जो है कि आपको 16 एम्पियर में ये मिलेगी। और ये हमारी सिंगल स्विच है, ये भी हमारी जो है कि 16 एम्पियर में है। ये जितनी भी हमारी स्विच है मेरे दोस्तों ये 16 एम्पियर में, और 16 एम्पियर का मतलब जो है कि अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक स्विच कितनी लोड लेगी। यानी तकरीबन जो है कि ये मान लीजिए ये सिंगल स्विच है ना, 16 एम्पियर में तकरीबन कुछ नहीं तो 2800 वाट का जो है लोड ये स्विच ले सकती है। और ये इसका कवर है, कवर ऐसे निकाल देते हैं हम, उसके बाद ये स्विच लगा देते हैं। इधर से हमारा स्क्रू टाइट होता है, फिर ये हमारी स्विच होती है। उसके बाद जो है कि ये कवर में ये देखिए बैक साइड में ये जो क्लिप दिया हुआ है ये इसके ऊपर रख के इसको पुश करते हैं तो ये फिर इसके ऊपर बैठ जाती है। देखिए ये जिप्सन बोर्ड है, ये जिप्सन बोर्ड में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन के अंदर जो है कि हम कौन सी लाइट लगाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो उसके अंदर देखिए मेरे दोस्तों ये वाली जो है हम लाइट लगाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, 2 साल इसकी जो है कि पूरी फुल वारंटी है। जल गई या कुछ भी हो गई आप तुरंत रिटर्न दे सकते हैं। ये 50 मीटर का ये पूरा रोल आता है, तो इसमें कई कलर में आता है, आप सफ़ेद में लेना चाहें सफ़ेद में भी लगा सकते हैं, और येलो में चाहिए तो येलो में भी लगा सकते हैं, और मल्टी कलर में चाहिए तो मल्टी कलर भी लगा सकते हैं। ये हमने येलो कलर में, जो बिल्डिंग का मालिक है उसने येलो कलर में मांगा था तो हमने येलो कलर में लेकर आया हुआ है। और इसका ये जो है देखिए ये इसका चोक होता है मेरे दोस्तों, ये जो ये 2 पिन होती है ये फिर इसके अंदर हम ऐसे जो है ऐसे लगाते हैं। उसके बाद फिर जहाँ से भी कटिंग करना होता है हर 1 मीटर पे निशान दिया हुआ है कि कहाँ से ये आप कर सकते हैं। ये 50 मीटर का रोल है। चलिए अब जो है पूरी ये स्विच जो है हम फिटिंग करते हैं। ये पूरा हम कार्टून में रख चुके हैं, अब जा रहे हैं लगाने के लिए, क्योंकि एक एक कार्टून आदमी कहाँ कहाँ लेके दौड़ेगा, तो एक ही कार्टून में हम लोग पूरा जो है रख लेते हैं। उसके बाद जो ज़रूरत होती है उसी में से निकाल के हम लोग लगाते हैं। तो चलिए लगाते हैं आगे। अब ये देखिए दोस्तों ये हमारा रूम है, इस रूम में हमारी टोटल कितनी स्विच आएगी। एक हमने स्पॉट लाइट का जो है स्विच लिया, और एक जो अंदर जो लाइटिंग लगेगी पाइपिंग लाइटिंग, 1 पॉइंट उसका हो गया, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट ये सेंटर में झूमर का, 3 पॉइंट एक ये दीवार पे, 4 पॉइंट यहाँ पे हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे हम 2-2 वाली स्विच लगाएंगे, 2 वाली इधर, 2 वाली इधर, उसके बाद इधर बीच में एसी की स्विच, लास्ट में 3 पिन सॉकेट लगाएंगे। तो देखिए पहले हम जो है कि अब इधर अपना वायर सेट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम हमेशा जो है एक लाइट के दीवार की लाइट का पॉइंट देंगे और एक स्पॉट लाइट का पॉइंट देंगे, और जो बीच जो उधर स्विच लगेगी 2 वाली उसमें हम जो है झूमर का पॉइंट देंगे, और जो जिप्सन बोर्ड के अंदर जो डिजाइनिंग लाइट है उसकी पॉइंट देंगे। तो स्टार्टिंग में हम हमेशा लाइट पॉइंट, स्पॉट लाइट या दीवार की लाइट, हमेशा हम ये कनेक्शन देंगे। अब देखिए ये हमारा मेन फेस ऊपर से आया था, और जो यहाँ पे हमने फेस देखिए लूपिंग किया हुआ, ये हम डायरेक्ट स्विच में नहीं डाले हैं,
ये हम डायरेक्ट इस वायर में छील करके ज्वाइन कर दिए हैं, इसलिए डायरेक्ट नहीं डालेंगे। कल को अगर जो आपकी ये स्विच खराब हुई फेस निकालेंगे तो ये स्विच भी चालू रहेगी, क्योंकि ये हमने डायरेक्ट जोड़ दिया। अभी यही स्विच के अंदर इसको खोस देते तो स्विच खराब हो गई, निकालते तो इधर की भी स्विच में करंट चला जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है ताकि इसमें करंट 24 आवर्स रहे, 24 घंटा इसके अंदर करंट रहे। यहाँ पे हमारी दो स्विच आ रही है, ये देखिए दो हाफ हमारा हो गया और एक हमारा ये फेस हो गया। देखिए ओनली यहाँ पे तीन वायर आया है, एक फेस दो हाफ, ऐसे ही सेम टू सेम इधर एक फेस और जो है दो हाफ। यहाँ पे हम दो वाली स्विच लगाएंगे। ये देखिए हमारा इधर जो है दो वाली हम स्विच लगाए और ओनली यहाँ पे दो ही हाफ हमारा है बस, देख रहे ना कितना मतलब साफ सुथरा बोर्ड है। ये वाले डब्बी में हमारा जो है एसी की स्विच आएगी। एसी की स्विच में ये हमारा फेस है, देखने देखिए हमने टेपिंग किया हुआ है और ये हमारा एसी का हाफ है। ओनली दो वायर है और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट एसी का डाला हुआ है। देखिए एसी हमारी वहाँ पे है, न्यूट्रल उसका हमने डायरेक्ट जो एमसीबी बोर्ड से, यहाँ पे हमारा एमसीबी बोर्ड है, उसके बाद न्यूट्रल इसका हमने डायरेक्ट डाला हुआ है। फेस ओनली यहाँ पे स्विच के अंदर आया हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल फेस नहीं है। ये हमारी एसी की स्विच यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे जो इन होता है इसमें जो है हमारा जो एमसीबी बोर्ड से फेस आ रहा है इनमें हमेशा फेस लगेगा, और जिस पे आउट लिखा होता है उस पे लोड मतलब हाफ वायर लगेगा। किसी किसी में लोड लिखा होता है, किसी किसी में आउट लिखा होता है। लोड भी हाफ होता है और आउट भी हाफ होता है, और किसी किसी में L1 लिखा होता है और L2 लिखा होता है। L1 का मतलब फेस हो गया जो एमसीबी बोर्ड से आ रहा है, और L2 का मतलब लोड हो गया। अब ये जो लास्ट वाला बचा, अब ये लास्ट में हम 3-पिन सॉकेट लगाएंगे मेरे दोस्त, देख रहे ना यहाँ पे हम 3-पिन सॉकेट लगाएंगे। फिर यहीं से हमारा बाजू में लूपिंग गया है उसका भी हम फेस में जो है सॉकेट में फेस नहीं डालेंगे, डायरेक्ट ज्वाइंट कर देंगे, ताकि ये सॉकेट कभी ख़राब हुई इसको खोले तो दूसरी सॉकेट बंद ना हो, इसके लिए हम जो है ज्वाइंट देंगे इधर। ये देखिए हमारी ज्वाइंट जो यहाँ पर लग चुकी है, ये देखिए इसको अच्छी तरह से हम टेपिंग करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर 3-पिन सॉकेट लगाएंगे। अब देखिए उधर हमारा न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में से हमने एक न्यूट्रल लेके आया, इधर एसी की स्विच में हमने लगाया हुआ है, क्योंकि एसी की स्विच में दोस्तों इंडिकेटर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि स्विच हम ऑन करने पे हमारा इंडिकेटर जले। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटर देखिए दिया हुआ है, इसके लिए हमने यहाँ पर न्यूट्रल दिया हुआ है। न्यूट्रल इन में लगेगा, इन में लगेगा तो आप इसको जब ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर आपका इंडिकेटर जल जाएगा। ये हमारा अर्थिंग पॉइंट है, अर्थिंग को हम अर्थिंग में देंगे, अर्थिंग देना बहुत ज़रूरी है सॉकेट में मेरे दोस्तों। अर्थिंग का मायने लोग नहीं समझते, लेकिन अर्थिंग क्या चीज़ होती है, जो इलेक्ट्रिशियन है जिनको अच्छी नॉलेज है उनको पता है कि अर्थिंग क्या चीज़ होती है। हमने जितनी सॉकेट है इसका फेस हमने अलग दिया हुआ है येलो कलर का, और जो हमारी लाइटिंग का फेस है उसको हमने रेड कलर का फेस दिया हुआ है। ये हमारा जो है इसका लाइटिंग का फेस अलग है और सॉकेट का फेस हमने अलग दिया हुआ है। तो देख रहे हैं ना हमारी स्विच जो है पूरी स्विच सॉकेट हमारी कंप्लीट लग चुकी है, कुछ इस तरीके से जो है दिख रही है। तो चलिए मैं इसको फिट करके आप लोगों को इधर स्क्रू टाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि दीवार पर लगने के बाद कैसा इसका डिकोर निकल कर आता है। ये अब हमारा जो है ये स्विच प्लेट दीवार में फिक्स हो रहा है स्क्रू के साथ, और इसका हमने कवर निकाल दिया हुआ। कवर निकालने के बाद देखिए इसकी डिजाइन किस तरीके से दिख रही है। ये जब स्क्रू टाइट हो जाएगा फिर इसका हम जो है इस पर कवर लगाते हैं। ये देखिए कितना सीधा देखिए हमारा आ रहा है। ये डीवी बोर्ड जब हम कटाई करके लगा रहे थे तो ये हम जो है मीजान से लगाते हैं, मीजान मतलब वाटर लेवल से इसको हम फिट करते हैं।
ताकि फिटिंग के टाइम पे हमारी स्विच ऊपर नीचे ना आए, पूरा एक लेवल में स्विच हमारी रहे। ये देखिए, ये पूरी स्विच हमारी देखिए एकदम लग चुकी है। अब इसका हम जो है कवर लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारी थ्री पिन सॉकेट कवर हो गया। बस इसको सिर्फ रख के ऐसे पुश कर देना, वो ऑटोमेटिक जो है उस पर बैठ जाता है। कितना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। बस ऐसे ही हल्का हल्का पुश कर देंगे, ये ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं हमारा पूरा जो है। ये देखिए, अब हमारा जो है पूरा ये स्विच प्लेट लग के एकदम पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। देख रहे हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है। ये हमारी स्विच है, इधर से ऑन ऑफ होगी। ये देखिए, काफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी की स्विच सॉकेट ये पूरी दिया हुआ है। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती भी देखिए, कितनी प्यारी, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका लुक देखिए। तो चलिए फिर किसी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।